हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड दही के रोल। इसे ब्रेड के शोले भी बोला जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप पार्टी के स्टार्टर में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने 6 से 7 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके किनारे काट दिए हैं, हटा दिए हैं। इसके लिए आपको मुलायम ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। ताजी ब्रेड ले लें। आधा कप स्वीट कॉर्न को 5 मिनट उबाल दिया था, आधा कप पानी में, आधा कप शिमला मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 100 ग्राम कसा हुआ पनीर, 100 ग्राम हांग दही, गाढ़ा दही। दही को छलनी में रखते हैं, उसका सारा पानी मैंने अलग कर दिया, निकाल दिया। सभी चीजों को एक बर्तन में डालेंगे। स्वीट कॉर्न, दही, पनीर, शिमला मिर्च, सभी चीजें डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला दिया है। ये मैंने दूध लिया है, दूध की जगह आप पानी ले सकते हैं, लेकिन दूध में अगर हम ब्रेड को डिप करते हैं तो ब्रेड में तेल कम आता है, तेल कम सोखती है ब्रेड जब हम तलते हैं ब्रेड को, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हल्के हाथ से दबाना है, देखिए। और इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे, बीच में डालनी है, अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाता है। जो किनारे हैं इनको इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस तरह को चिपका देंगे अच्छे से। सारा एक्स्ट्रा दूध निकाल देंगे, अच्छे से रोल कर लेंगे इसका। सभी को इसी तरह से बना बना के तैयार कर लेंगे। सभी को हमने बना करके तैयार कर लिया है। अभी हम इन्हें तलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल लिया है, तेल हमारा गर्म है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक करके डाल देंगे इस तरह से। दोनों तरफ से हमने गोल्डन ब्राउन तक कर लिया है। सभी ब्रेड के छोले बन करके तैयार हैं, बहुत ही अच्छे छोले बन करके तैयार हुए हैं। इन्हें हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें सुबह शाम के नाश्ते में कभी भी बना करके खा सकते हैं। आप इन्हें बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।